गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम लोग अपनी इंग्लिश की जो बुक है इंग्लिश टाइम, उसका फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, इन द लैंड ऑफ जायंट्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें हमारे जैसा एक इंसान होता है जो बहुत लंबे चौड़े जो बड़े बड़े आकार के लोग होते हैं उनके देश में चला जाता है, उनकी जगह पर चला जाता है, फिर उनके साथ जो जो घटनाएँ घटती हैं उसका इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो पढ़ते हैं इस स्टोरी को, देखते हैं क्या क्या होता है उस इंसान के साथ। शुरू करते हैं हम। The giant farmer was at least 60 feet high. जो दैत्याकार किसान था, किसान giant होता है बहुत बड़ा, राक्षस के जितना बड़ा, जो किसान था was at least 60 feet high. वो कम से कम 60 feet ऊंचा था। And I was just 6, और मैं तो केवल 6 feet का था, ठीक है। He understood that I was a human being like him. तो उसको समझ में आ गया था कि मैं भी उसकी तरह एक इंसान ही था। ओनली मच स्मॉलर इन साइज, केवल मेरी साइज उससे बहुत ज़्यादा छोटी थी। स्पोक टू मी इन हिज लैंग्वेज, उसने अपनी भाषा में मुझसे बात की। द साउंड ऑफ हिज वॉइस वॉज लाइक द साउंड ऑफ अ वाटर मिल, और उसकी जो आवाज़ थी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि कोई पानी की चक्की चलती है, बहुत तेज उसकी साउंड आ रही थी। आई स्पोक इन इंग्लिश इन अ लाउड वॉइस, मैं बहुत तेज आवाज में इंग्लिश में बोला। ही कैरिड मी नियर हिज ईयर्स, वो मुझे अपने कानों के पास लेकर गया। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स, वी कुड नॉट ईच अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, हम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए, ठीक है। द फार्मर टुक आउट हिज हैंडकरचीफ, अब उस किसान ने अपना रुमाल बाहर निकाला। डबल्ड इट, इसको डबल किया। एंड लेड इट ऑन हिज पाम, और उसको समेटने के बाद, दोहरा करने के बाद उसको अपने हथेली पर रख लिया। ही पुट मी ऑन इट, उसने मुझे पकड़ कर उसके ऊपर रख दिया। आई कुडंट स्टैंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ के हिलने के कारण मैं उस पर बैठ तो नहीं पाया। सो आई ले एट माई फुल लेंथ, इसलिए मैं उस पर अपनी पूरी लंबाई के साथ लेट गया। देन ही कवर्ड मी विद द एंड्स ऑफ हिज हैंडकरचीफ, फिर उसने मुझे अपने रुमाल के जो सिरे थे उनसे मुझे ढक दिया, मुझे उड़ा दिया। एंड टुक मी होम, और मुझे अपने घर ले गया। व्हेन द फार्मर रीच्ड होम, जैसे किसान घर पहुंचा, ही कॉल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बुलाया। हिज वाइफ वाज टू अ जायंट वुमन 60 फीट हाई, उसकी पत्नी भी क्या थी, एक बहुत बड़ी महिला थी जिसकी ऊंचाई 60 फीट थी। दे हग्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। देन ही शोड मी टू हर, फिर उसने मुझे अपनी वाइफ को दिखाया। शी स्क्रीम्ड एंड रैन बैक, वो जोर से चिल्लाई और पीछे भागी। फ्राइटेंड एट सींग स्पाइडर लिजर्ड, उसने सोचा कि मैं शायद कोई छिपकली या फिर मकड़ी हूँ, इससे डर गई वो। इट टुक हाव एवर लॉन्ग टाइम, हालांकि उसको बहुत समय लगा। व्हेन हर हस्बैंड टोल्ड हर, जब उसके पति ने उसको बताया अबाउट मी, मेरे बारे में। शी वॉच्ड माई बिहेवियर एंड स्लोली बिगेन टू टच मी, उसने मेरा बिहेवियर देखा, पहले तो मेरा व्यवहार देखा और फिर धीरे धीरे मुझे टच करना शुरू किया। एंड देन लिफ्ट मी, और फिर मुझे उठाया। शी बिहेव्ड वेरी काइंडली विद मी, उसने बड़ी दयालुता के साथ मेरे से बातचीत की। इट वॉज द लंच टाइम, यह दोपहर के खाने का समय हो चुका था। सो ऑल द पीपल इन द फैमिली टुक देयर सीट एट द टेबल, इसलिए परिवार के जितने भी सदस्य थे सब ने टेबल पर अपनी अपनी सीट ले ली। देवर अ स्मॉल फैमिली, वो एक छोटा परिवार था। द फार्मर हिज वाइफ, किसान उसकी पत्नी, थ्री चिल्ड्रन एंड ओल्ड ग्रैंड मदर, तीन बच्चे और एक बूढ़ी दादी माँ। देर वॉज ओनली वन गुड डिश ऑफ डिलीशियस फूड, वहाँ पर केवल स्वादिष्ट खाना था, उसकी एक ही डिश थी वहाँ पर। एज आई कुड स्मेल, जैसा कि मुझे सूंघने से पता चला, इट वॉज ऑन अ ह्यूज प्लेट ऑफ अबाउट 20 फीट इन डायमीटर, यह जो खाना था ये किस में था, बहुत बड़ी सी प्लेट में था जो कि 20 फीट थी डायमीटर में। इसका व्यास कितना था, कितनी चौड़ाई की थी, 20 मीटर की। द टेबल वॉज 30 फीट हाई, यह टेबल 30 फीट ऊंची थी। द फार्मर पुट मी ऑन द टेबल, किसान ने मुझे टेबल पर रख दिया। आई वॉज टेरिबली फ्राइटन्ड एंड केप्ट एज फार एज आई कुड फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, मैं बुरी तरह से डर गया और मैंने खुद को टेबल के किनारे से जितना दूर हो सकता था उतना दूर रखा। द फार्मर्स वाइफ प्लेस्ड सम फूड बिफोर मी, किसान की पत्नी ने कुछ खाना मेरे सामने रखा। एंड आई बोड लो टू द फार्मर,
मैं किसान के सामने झुका थोड़ा सा एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी के सामने एंड बिगेन टू फिर खाना शुरू किया. ऑल वर डिलाइटेड टू सी मी ईटिंग और मुझे खाना खाता हुआ देखकर सब लोग बड़े खुश थे. तो आज हम स्टोरी को यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में. आज आप क्या करेंगे, इसके जो भी हार्ड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनको डिक्शनरी में से देखकर उसका मीनिंग लिखेंगे, लर्न करेंगे. तो मिलते हैं अगली क्लास में. बाय एवरीवन.